हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी इजीली. ओके, लेट्स स्टार्ट. सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट डू मीन बाय सोर्स? सोर्स का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हमें कहीं से, जहाँ से ऑब्टेंड होती है. सपोज करो, अगर मैंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात बोली है तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, जहाँ से हम एनर्जी को ऑब्टेंड कर सकते हैं. तो वो एनर्जी के क्या हुए? सोर्सेज हुए. इस चैप्टर में आप जो है एनर्जी के कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड अल्टरनेट सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, तो होपफुल आप उसको जो है देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इजीली. मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से आपको कराऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है यहाँ से काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको और कम्प्लीटली ये जो है करता है. नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा हुआ है जो है एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ, कि द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व, कि जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है. कंजर्व का मतलब कि उस बची हुई होती, मतलब फिजिकल या यूनिवर्स में ही रहती है, यूनिवर्स से कहीं भी बाहर नहीं जाती. तो हमें जो है एनर्जी की जो है क्राइसिस क्यों होती है? अगर एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, वहीं की वहीं रहती है, एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, तो वाई वी डू हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस? हम एनर्जी क्राइसिस के बारे में इतना क्यों सुनते हैं? हमने ये भी सुना है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो हमारी ये वरीज है एनर्जी को लेके, वो क्यों है? इट मीन्स कि अगर एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो बिना एक्टिव, मतलब जो आप एनर्जी की चिंता करे हुए, उसके बारे में वरीज करे हुए, आप उस एनर्जी से एंडलेस एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हो. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी के रिसोर्सेस कहाँ हैं. दिस रिडल कैन बी सॉल्व इफ वी रिकॉल व्हाट एल्स वी लर्न अबाउट द एनर्जी. ये जो आपकी एक रिडल्स थी, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? लेट सो एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इन द अदर. आपको पता है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से, कहीं ना कहीं से डिफरेंट फॉर्म से आती है हमें, और उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या करते हो, एक प्लेट लो, उस प्लेट को ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दो, नीचे गिरा देते हो, जैसे मैंने पेंसिल को ड्रॉप किया वैसे आप प्लेट को ड्रॉप करोगे. तो अगर आप जो प्लेट को ऊपर ऐसे पकड़ रखा है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो स्पीड की वजह से होती है, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. और जब उसको, प्लेट को आप गिराते हो और वो नीचे गिरता है, तो गिरने में क्या होता है, आपको आवाज़ आती है. मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में और लास्टली जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जब आपकी जो प्लेट है वो जो है ग्राउंड में टच हुई, क्योंकि आपको गिरने की क्या आती है, आवाज़ आती है. सेम इसी वे में अगर आप एक कैंडल को लाइट करते हो, एक कैंडल जलाते हो, तो वहाँ से हीट क्या होती है, बाहर निकलती है. और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा रखा है कि द रिएक्शंस इन विच द हीट इज़ रिलीज इज़ नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब कैंडल की बर्निंग होती है तो वो एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. वहाँ पे हीट क्या होती है, आपकी बाहर निकलती है. अब इसमें क्या होती है, सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड इन द हीट एनर्जी. इट मीन्स जो वैक्स होती है, जो मेल्ट कर रही होती है, उसकी जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में, और फाइनली जब कैंडल बर्न करता है तो हीट के साथ साथ वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है. यानी कि जब बर्निंग ऑफ कैंडल की जो एनर्जी है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वैक्स, वैक्स की केमिकल एनर्जी. यहाँ जो एनर्जी है वो किसकी है, केमिकल एनर्जी ऑफ वैक्स, और वो कन्वर्ट किस में हो रही है, हीट एनर्जी में, और दूसरा वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो उसके बदले में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेल्टेड फॉर्म में वैक्स ही मिल जाती है, आपकी वैक्स मिलती है. सो द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रिमेन द सेम. कि जो आपकी, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होती हैं, उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम. बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग ऑफ कैंडल वाला एग्जाम्पल अगर हम अगेन लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हीट और लाइट जनरेट हो रही है, उसके साथ जो है कुछ प्रोडक्ट आता है. वो प्रोडक्ट क्या आता है कि जो है, अगर आपने कैंडल
किसी भी रूफ़ के नीचे रखी हुई है, उसके बहुत ज़्यादा पास है, तो आप देखते हो ऊपर का जो रूफ़ होता है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो उस फॉर्म में भी वहाँ पे गई। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कि अगर आप 100 ml ऑफ वाटर को लेते हो जिसका टेम्परेचर 348 केल्विन है या 75 डिग्री सेल्सियस है, बेटा आपको टेम्परेचर चेंजिंग के लिए कुछ नहीं करना। अगर आप डिग्री सेल्सियस को, जैसे मैंने यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस है और मैं इस 75 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं 273 क्या कर दूँगी, इसमें प्लस कर दूँगी। 273 प्लस करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो है केल्विन में, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 348 केल्विन। अगर ऐसे केल्विन को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप ये माइनस कर दोगे। तो इस वजह से हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन आपने करी हुई 9th क्लास में। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, 100 ml वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है, 348 केल्विन है या फिर 75 डिग्री सेल्सियस है। आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो, रूम टेम्परेचर कितना है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। जब आप 10th क्लास में बोर्ड में साइंस का वाइवा देते हो तो वहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है, तो आप वहाँ पर क्या है या कितना है, तो आप बता सकते हो कि वो 25 डिग्री सेल्सियस है। या अगर वो केल्विन में पूछता है तो जस्ट आप उसको क्या करोगे, 273 प्लस करके, और यू कैन से 298 केल्विन। तो क्या होता है इन दिस, में क्या होता है कि जो आपका पानी है, जो आपका 100 ml वाटर है 75 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, वो क्या करेगा, अपनी हीट को एटमोसफियर में क्या करेगा, रिलीज़ करेगा जब तक कि उसकी जो है जो टेम्परेचर है वो एटमोसफियर के इक्वल ना आ जाए। इट मीन्स क्या है कि जो वाटर है वो कूल डाउन हो जाएगा और उसकी जो हीट होगी वो एटमॉस्फेयर में क्या होगी, रिलीज़ होगी, और ये प्रोसेस क्या होगी, आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अगर आप दूसरा भी एग्जांपल जो है ऐसे करते हो तो हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो जो है इन्वायरमेंट में जो है डिसिपेट होती है, बाहर निकलती है। तो बाहर निकल गई तो मतलब वो लॉस हो गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि आप उसको वापस लाओ, अगर है तो वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे कैसे उसको करते हैं। तो इसलिए जो एनर्जी वो डिसिपेट हो रही है एटमॉस्फेयर में, वो खर्च हो जा रही है, इस वजह से हमें जो है एनर्जी के सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी के सोर्सेज के लिए हमें वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो एनर्जी एक बार कंज्यूम हो गई है उस एनर्जी को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यस, हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के गुड सोर्स क्या होंगे, व्हाट कैन देन कंसिडर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा एनर्जी का सोर्स कौन सा होगा जो गुड सोर्स होगा। अभी हम अपने डेली के वर्क करते हैं उसमें हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो है कार चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, तो उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जिनसे वो चलती हैं। ऐसे ही आप घरों में टीवी चलाते हो, कूलर चलाते हो, फैन चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, या स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, और वो किसके फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम बाईसाइकिल राइड करते हैं तो वहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमारी मसल्स की एनर्जी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर एनर्जी। और ये मस्कुलर एनर्जी जो होती है वो किस लिए कैरी आउट होती है, कि हम जो है कोई फिजिकल वर्क वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, जैसे हमने वेरियस अप्लायंसेस, फैन, कूलर, टीवी कुछ भी लिया। और केमिकल एनर्जी हमें चाहिए कुकिंग फूड के लिए, रनिंग व्हीकल के लिए, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपको लाता है। वी नीड टू नो हाउ वी सेलेक्ट द एनर्जी सोर्सेज, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है कि कंसीडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज़ ए फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड, कि यहाँ पे हमने एक ऑप्शन जो है चूज़ करना है कि हम जो है कौन सा फ्यूल जो है वो चेक करेंगे, मतलब चूज़ करेंगे कुकिंग फूड के लिए, और क्या क्राइटेरिया होगा, किस कैटेगरी में हम फ्यूल को कैटेगराइज करेंगे। व्हाट डू योर चॉइस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू लिव्ड, अगर आप फॉरेस्ट में रहते हो तो आपकी फ्यूल की चॉइस क्या होगी। रिमोट या माउंटेन विलेजेस में, स्मॉल आइलैंड में रहते हो तब क्या होगी। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हो, तब आपके लिए एनर्जी की जो सोर्सेज हैं, फ्यूल हैं, वो आप क्या लोगे। 5th सेंचुरी के पहले लोग क्या यूज़ करते थे,
एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अगर फॉरेस्ट में होंगे तो वहाँ पे हम सूखे पत्ते लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन या विलेज में होंगे तो वहाँ पे आपके काऊ डंग के बने हुए जो है फ्यूल्स होते हैं इसका यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप सीएनजी का यूज़ करते हो, एलपीजी का यूज़ करते हो तो इस तरह से यूज़ होता है, 1000 सेंचुरी पहले लोग किस तरह से खाना पकाते थे। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब इन डिफरेंट फैक्टर्स को हमें चूज़ करने की क्या रिक्वायरमेंट हुई, हम क्यों ये डिफरेंट फैक्टर्स यूज़ करें? ऐसा क्यों नहीं है कि हम सारे एक ही चीज़ से जो है खाना पकाते हैं, चाहे गाँव में रहें, चाहे हम शहर में रहें, चाहे हम मतलब फर्दर 5 सेंचुरी एगो की बात करें, तो क्यों नहीं सभी एलपीजी पे खाना पकाते? तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर उस टाइम जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रिपेयर होती है। वी कैन सी दैट द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी और फ्यूल वी सिलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन मेनी डिफरेंट फैक्टर। वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल व्हाइल सेलेक्टिंग ए फ्यूल, अगर जब हम कोई भी फ्यूल को सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे मन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कि क्या जो मैं फ्यूल यूज़ कर रही हूँ वो कितनी हीट रिलीज़ कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं इस पर जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दे रही हूँ और जो उसकी एनर्जी की आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो हम ये भी देखते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, और ये भी देख रहे हैं कि वो स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, कि अगर ज़्यादा धुआं होगा तो हम उसको तो नहीं यूज़ करेंगे, है ना। हम जो है स्मोकलेस यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या वो हमारी लोकेलिटी में ईज़िली अवेलेबल है? ईज़िली अवेलेबल होगा तभी हम उसको यूज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं कि अगर हमें ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा तो भी हम उस फ्यूल को यूज़ करेंगे। तो आप इससे भी रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है सोच सकते हो। तो बात करते हैं गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल वी हैव टुडे, कि जो हमें फ्यूल की जो रेंज आजकल मिली हुई है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें पर्टिकुलर टास्क के लिए, हमने कुकिंग करनी है या हमने व्हीकल के लिए यूज़ करना है या किसी अदर वर्क के लिए, विंटर्स में रूम को हीट करना है, तो हमें किस किस तरह का एनर्जी का सोर्स चाहिए? वी कुड देन से दैट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। पहला है कि जिसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, ईजिली एसेसिबल आपको ईजिली मिल जाएगा, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना उसको ईजी होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो इकोनॉमिकल होगा। व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिकल, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके विहार पे यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, आप ऊपर से जो पढ़ा हुआ है उससे बता सकते हो, व्हाट इज़ ए गुड फ्यूल, गुड फ्यूल क्या है, दोनों का आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। If you could use any source of energy for heating your food, which one would you use and why? हम food use करने के लिए LPG का use करते हैं, और क्यों use करते हैं? क्योंकि उसकी calorific value ज़्यादा है, store करना easy है, transport करना easy है, और most important वो smokeless है, उसमें से धुआँ नहीं निकलता है। तो इस वजह से आप इन questions को एक बार देखेंगे, मैं लास्टली आपको एक क्वेश्चंस पे डिस्कस करके दिखाऊंगी, बट एक बार आप अपने विहार पे जो है इसको करने की कोशिश करेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम हिंदी में बात करें, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत, यानी कि जो पुराने टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं फोसिल्स फ्यूल की। बेटा फोसिल्स फ्यूल स्टूडेंट्स क्या होता है? जो हम यूज़ करते हैं फोसिल्स फ्यूल, वो हमारा फोसिल्स फ्यूल एक्चुअल में क्या होता है? कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है ना, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। कैसे बनते हैं ये आपको एक बार मैं ओवरव्यू से बताती हूँ। मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लग जाते हैं इनको बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर हो गए, जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो नीचे दब जाते हैं, उनसे बनते हैं प्रोसेसिंग करके ये। ओके, इन एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में जो लकड़ी है, वुड, वो मोस्ट कॉमन सोर्स था हीट एनर्जी का, घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ होता था, रूम को गर्म करने के लिए यूज़ होता था, इवन कि कोल का यूज़ बहुत जगह है। द
द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड विंड ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़, कि जो वाटर फ्लो कर रहा है या जो विंड फ्लो कर रही है उसकी जो एनर्जी है उसको भी हम कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूज? ऑब्वियसली हम इसकी बहुत सारी यूज़ हैं. हम आपकी विंड मिल होती है, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, तो विंड मिल जो है विंड की स्पीड पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आपकी फ्लोइंग वाटर पे, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल. ये जो आज के टाइम में इंडस्ट्री का इतना रेवोल्यूशन हुआ है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, उसका पीछे जो है आपका, उसके कारण जो आपका कोयला है उसका ओवर यूज़ हो गया. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि हमने उसको अनकंट्रोल्ड वे में जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. जिस तरह से आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बेटर क्वालिटी आ रही है लाइफ की ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो आपके फॉसिल्स फ्यूल हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है ओवर यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है. इसकी वजह से क्योंकि यूज़ क्यों होगा, क्योंकि अगर आपकी लग्जरियस लाइफ चाहिए तो आपकी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ती है बहुत तेज़ी से रेट से, और उस ग्रोइंग जो एनर्जी की डिमांड है उसको लार्जली जो है सेटिस्फाइड कौन कर रहे हैं, फॉसिल्स फ्यूल. वो कौन से हैं? कोल और पेट्रोलियम. हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं डेवलप हुई हैं, वो भी स्टार्टिंग में जो है इन्हीं फॉसिल्स फ्यूल पे डेवलप हुई हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन चलती है, पहले ट्रेन का जो आपका इंजन होता था वो किसका होता था? कोल इंजन होता था, उसमें कोला डालते थे. वो हमारी एक टेक्नोलॉजी है, हमारी एक अचीवमेंट्स है. आप जो है पलवर में जो है कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं. आप आज के टाइम में व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स यूज़ कर रहे हैं, इवन कि एरोप्लेन्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये जो है आपके फॉसिल्स फ्यूल ही यूज़ हो रहे हैं. बट जो इनका जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉसिल्स फ्यूल हैं, इनको बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो इट मीन्स इनका जो रिज़र्व है वो क्या है? लिमिटेड है. और ये जो फ्यूल्स हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. अब ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि जिसे आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो. नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं कर सकते. एक बार अगर वो यूज़ हुई तो वो क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं. इस वजह से हमें इस चीज़ को कंजर्व करके बचा के रखने की ज़रूरत है. अगर जिस रेट से हम आज फॉसिल्स फ्यूल का, कोयले का, पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, इसी रेट से अगर हम इसको यूज़ करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये जो है एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको ये फ्यूल जो है वो नहीं मिलेंगे. तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए. हमें एक्सप्लोर करने हैं, हमें खोजना है, हमें उजागर करना है कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जो हमें फॉसिल्स फ्यूल से मिलने वाली जो एनर्जी है वो दे सके और हम जो है लार्जली जो है एनर्जी के लिए फॉसिल्स फ्यूल पे डिपेंड ना रहें. देखो, जो फॉसिल्स फ्यूल हैं इनकी डिसएडवांटेज भी है. बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल हैज़ अंदर डिसएडवांटेज टू. आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है एयर पोल्यूशन के बारे में. व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जब हम कोयला, पेट्रोलियम या व्हीकल्स चलते हैं जिसकी वजह से जो अनवांटेड गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती हैं और जो एयर की क्वालिटी होती है उसको डिग्रेड कर देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन. तो फॉसिल्स फ्यूल जो है ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. इसमें क्या होती हैं? कार्बन के ऑक्साइड्स. कार्बन के ऑक्साइड दो तरीके के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वो बाहर निकलते हैं जिससे क्या होते हैं ये एसिडिक ऑक्साइड, बिकॉज ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं. आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन द नेचर होते हैं. तो ये जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं जो कहते हैं कि हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर सल्फर का ट्राई ऑक्साइड लिया और ये वाटर के साथ यहाँ पर आया तो इसने क्या बना दिया? H2SO4. H2SO4 क्या? सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब ये एसिड रेन कॉज करते हैं. एसिड रेन जो है जब वाटर जो आपका होता है बारिश वाला पानी उसमें एसिड आ जाता है, एसिड रेन. ये हमारे वाटर रिजर्वर को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि एसिड रेन अगर वाटर में गिरेगी तो वहाँ पे रहने वाली जो फ्लोरा है, फ्योना है. बेटा फ्लोरा का मतलब
आपके प्लांट्स है, फौना का मतलब एनिमल्स से है जो पानी के अंदर रहते हैं, या जो सॉयल है उसकी जो पीएच लेवल है उसमें भी जो है गड़बड़ हो जाती है। उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम्स है एयर पोल्यूशन की वजह से, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये जो गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ एक अम्ब्रेला का काम करते हैं। तो नाइट टाइम में जो रेडिएशंस अर्थ के सरफेस को छोड़कर वापस जा रही होती हैं, जिससे धरती ठंडी हो जाती है रात के टाइम पे, उन्हीं रेडिएशन को रिफ्लेक्टिंग सरफेस देके वापस अर्थ पे भेज देते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। इट इज़ ए कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लेशियर्स वगैरह आपके मेल्ट कर रहे हैं, तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। लेकिन हम इस ट्रेमेंडस रेट से फॉसिल फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये, मैंने ये पाई चार्ट देखो, ये रेड कलर से कोल और शो किया हुआ है, ग्रीन कलर से पेट्रोलियम, डार्क येलो से जो है वो हाइड्रो, एंड स्काई ब्लू से न्यूक्लियर, और ये विंड। तो आप ये देख रहे हो कि इतना सारा पोर्शन है जो कि आपका कोल यूज़ कर रहा है, मतलब फॉसिल फ्यूल पे हमारी मैक्सिमम एनर्जी की डिमांड जो है वो पूरी हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह इसका आपका हो रहा है। थिंक ओवर इट, हाउ वुड आवर लाइफ चेंज इफ वी कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर हमारे पास थोड़ी देर बिजली नहीं आती है तो हम कैसा फील करते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन ए कंट्री इज वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ ऑफ कंट्री, कोई भी जो कंट्री है उस पर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है आज के टाइम में, वो उस कंट्री की ग्रोथ का पैरामीटर होता है। सो पोल्यूशन कॉज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल कैन बी समवॉट रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस एंड वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस एस्केप द हार्मफुल गैसेस एशेस इनटू द सराउंडिंग। ये जो फॉसिल फ्यूल की वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको हम समवट लेवल तक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम जो इंजन्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा एफिशिएंसी डालते हैं ताकि जो उसकी बर्निंग हो वो कंप्लीट हो, और जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं वो हार्मफुल गैसेस किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके वहाँ स्टोर हों, वो एटमोसफेयर में एज इट इज़ जो है वो ना आए। तो डायरेक्टली जो है वेरियस पर्पज़ के लिए आप गैस स्टोव व्हीकल्स जो है ये यूज़ करते हो, ये मेनली आपके फॉसिल फ्यूल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक स्मॉल जो है यहाँ पे प्लांट बना सकते हो डायनोमो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो एक्टिविटी आपको यहाँ पे मेंशन है कि आपने एक टेनिस की बॉल लेनी है, उसमें 3 होल्स करने हैं, और 3 होल्स करने के बाद आपने उसमें 3 ब्लेड्स लगानी है जो कि सेमी सर्कुलर फॉर्म में है। यहाँ पर जो आपकी ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स कैसी हैं, सेमी सर्कुलर फॉर्म में 3 ब्लेड्स लगानी है, उसको डायनामो से कनेक्ट करना है और सीरीज में एक बल्ब लगाना है। यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर को जब हीट करोगे तो वहाँ से स्टीम निकलेगी, स्टीम की पाइप को आप कनेक्ट करोगे, इस स्टीम की पाइप से ये जो आपका है ये रोटेट करेगा तो ये एक टर्बाइन का काम करेगा, और यहाँ पे डायनामो लगा हुआ है, वो डायनामो क्या करेगा, इस टर्बाइन की रोटेशन की वजह से जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, मकैनिकल एनर्जी है, उस मकैनिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिससे यहाँ पे लगा हुआ जो बल्ब है वो क्या कर जाएगा, आपका ग्लो कर जाएगा। दिस इज़ पैराग्राफ वेयर एक्सप्लेन अवर प्रोसेस, तो आप यहाँ से इसको एक बार पढ़ लोगे तो वो कन्वर्ट करेगा। तो ये जो एनर्जी है वो आज के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एनर्जी के रिसोर्सेज की अवेबिलिटी के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम उसको जो है कोल या पेट्रोलियम से ही, मतलब कोल से ही जनरेट करें। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है थर्मल पावर प्लांट। इसका नाम थर्मल पावर प्लांट क्यों है, एक्चुअल में जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो है कोयले से बनती है, कोयले जो कोल होता है उस कोल की हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हीट है, हीट का मतलब थर्मल से है, इसलिए इसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थर्मल प्लांट। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न एवरी डे इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं जिससे वाटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में। वो जो स्टीम होती है, बाफ होती है,
वो टरबाइन को रोटेट करती है और उसमें डायनोमो लगा होता है, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो हम कोल और पेट्रोलियम है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से जो मेनली आपके थर्मल पावर प्लांट हैं वो कोल या ऑयल फील्ड के पास ही होते हैं, जहाँ पे आपका कच्चे कुएँ का तेल होगा या जहाँ पे कोयले की खान होती है उसके पास ही लगे होते हैं। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज़, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो टर्म थर्मल पावर प्लांट यूज़ हो रही है वो क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल है उसकी बर्न करने से हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है हीट, इसलिए इस प्लांट का जो नाम है वो क्या है, थर्मल पावर प्लांट है। आज हमने जो है दो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी करे हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स एंड थर्मल पावर प्लांट। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसके लिए आपने क्या करना है, अपने YouTube पे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।